वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर ख़जाना ने IMF के वफ़ से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफ किया और मुल्की मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामसन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की तरक्की के लिए इकदाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है, वज़ीर आज़म की कहा गया। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमें ज्वाइन करेंगे। यासिर, वज़ीर आज़म को मज़ीद किन उमूर पर ब्रीफ किया गया? देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास हुआ है। इजलास में वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के वफ़ से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है, मईशत की तरक्की के लिए इकदाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है, बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए, अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम जो है वो कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई है। शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौके जो है वो पैदा होंगे। और वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि मुल्क की बरामदात में इजाफा और रिकार्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। ज़रई शोबे में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि और वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए, टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मामलत करने वालों को कैसे किरदार तक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास हुआ, इस पर आप हमें अपडेट कर रहे थे यासिर, बहुत शुक्रिया।